The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Allergies. So what are allergies and what is an allergic rhinitis? Dekho, allergic rhinitis is associated with a lot of common symptoms. Matlab aapko naak mein symptom honge, right? Naak ke aaspaas, nose, sinuses, that is what is allergic rhinitis, right? Sinusitis uske saath commonly associated hai. Dono saath mein dekhe ja sakte hain, dono alag ho sakte hain, but then they are associated. Symptoms iske aa sakte hain jab aap koi aisi allergic substance breathe kar lo, jaise ki dust, या एनिमल डैंगर या पोलन ग्रेन, या फिर हो सकता है आप किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी हो, जैसे कि ठंडी चीज़ से, इवन ठंडी हवा. जी हाँ, ठंडी हवा से भी, ठंडे पानी से भी किसी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस, नाक बंद हो जाता है. ठंडा पानी पी लिया, गला ख़राब, नाक बंद, राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सब हो जाता है. सो एलर्जिक राइनाइटिस, ये आज के डेट में अगर हम इसके बारे में बताएं तो दिस इज काइंड ऑफ, इनमें से किसी भी चीज़ से हो सकता है, ट्रिगर है, एलर्जीज ट्रिगर हो रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें, और हर एक का ट्रिगर अलग होगा. तो ट्रिगर्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ पर्सन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, राइट? एलर्जी इन द नोज विल हैव समथिंग टू डू विच यू हैव इनहेल्ड, है कि नहीं? कोई ना कोई चीज़ नाक से अंदर जाएगी, चाहे ठंडी हवा हो, चाहे पोलन ग्रेन हो, चाहे डस्ट हो, चाहे धूल हो, चाहे डॉगी के, बिल्ली के बाल हो, वट एवर इट इज, समथिंग एलर्जिक टू यू, जिससे आपको एलर्जी है, वो नाक में गया एंड था उधर, एलर्जीज का बम फूट गया. सो दैट इज काइंड ऑफ द एलर्जी विच हैपन्स. दिस कैन हैपन इन विंटर ऑल्सो, ठंड में भी, ठंडी में, बारिश में भी और समर में भी, राइट? सो दैट इज एलर्जीज. अब ये चीज याद रखिए, प्लांट्स में जो ट्री है उनके अंदर कई बार पोलन ग्रेन्स होते हैं जो समर में निकलते हैं. तो समर में ये पोलन ग्रेन्स के वजह से कॉमन होते हैं, जिसको हम हे फीवर कहते हैं. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड हे फीवर व्हेन इट इज कॉज्ड ड्यू टू पोलन ग्रेन्स इन समर. एंड द वेदर विल कॉज द डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट? ड्राई हॉट वेदर होगी तो पोलन ग्रेन ज़्यादा लंबे जाएंगे, पोलन्स रहेंगे. कूल डैम्प रहेगी तो वो ज़मीन पे विंटर में बैठे, तो पोलन वाली एलर्जीज नहीं होती है. बट देन फिर भी इट कैन बी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो. बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बैरोमीटर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी ऐसे क्विकली चेंज हो, जैसे बारिश आई, टेम्परेचर चेंज, बाहर गर्मी थी, एकदम ठंड हो गया, आछू आछू शुरू हो गया आपके बॉडी, राइट? दैट हैपन्स. दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है? दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिक्रीशन. आपके सिक्रीशन बढ़ गए, आपके नाक के जो म्यूकस सिक्रीशन है वो बढ़ जाते हैं. नाउ अब कभी कुछ ऐसा एलर्जिक हो या सिक्रीशन हो तो क्या होगा, सिम्टम क्या, व्हाट आर द सिम्टम्स? इची नोज, यू कैन हैव माउथ, आईज, थ्रोट, स्किन, इन सब जगहों पे एलर्जीज हो सकती है. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एलर्जिक राइनाइटिस, बट एलर्जीज आपको इन सब जगहों पे हो सकती है, स्किन पे, माउथ पे, गले में, थ्रोट पे, आपके नाक में, राइट? आपके आईज में थिंग्स एलर्जीज कर सकती हैं. नाउ आपके लिए एलर्जी का स्रोत, उसका ट्रिगर कुछ और होगा. Everybody has their individualized allergy triggers, which you have to identify, and there are tests also available to do that. That's called an allergy profile. Food products ke liye alag allergy profile aata hai, and environmental pollutants ke liye alag allergy profile aata hai, right? उसके बाद आपको क्या हो सकता है, अब नाक बंद हो गया तो you might not be able to smell things, you might have a running nose, आपको छींक आ सकती है, स्नीजिंग, आंखों से पानी आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है. हर चीज जरूरी नहीं है, कुछ एक चीज, दो चीज हो सकती है. देन लेट्स रश इनटू द सिम्टम्स, फटाफट बताते हैं आपको, राइट? अगर आपके कुछ चीजें ये इनिशियली होती है जो मैंने अभी तक बताया, नाक से पानी आना, और पानी, आंख से पानी आना, रनिंग नोज, छींके आना, राइट? और इचीनेस होना. फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, एकदम नोज भर भर आने लगता है, खांसी आने लगती है, बलगम सी जमा हो गई है, राइट? कान भर सकते हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही है, सोर थ्रोट हो गया है,
आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, आंखों के नीचे पफिनेस आ गई है, यू हैव फटीग, इरिटेबिलिटी, यू माइट इवन हैव हेडेक्स. सो दीज ऑल कैन बी द सिम्टम ऑफ एलर्जीज, नॉट जस्ट एलर्जिक राइनाइटिस और एनी काइंड ऑफ एलर्जीज इन योर face, in your facial areas, because of any kind of trigger, right? So what will happen, you will go to a doctor, doctor will check you physically, physical checkup hoga, aapka history li jayegi, aapke symptoms dekhe jayenge, season dekha jayega, aapke ghar mein pets hai, nahi hai, dust hai, nahi hai, kaam kya karte ho, bike chalate ho, traffic mein rehte ho, whatever is the source of allergy, usko identify karne ki koshish karni chahiye, doctor ne. इंडिया में नहीं करते, मेरे को पता है, लेकिन करनी चाहिए. देखिए, बेयर विथ मी, आई एम नॉट मेकिंग द इंडियन सिस्टम, यहाँ पे टाइम देना चाहिए, नहीं देते मैं क्या करूँ, है कि नहीं? बट एनीवेज, ओके, सो ये सब करने चाहिए. फिर एलर्जी टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एलर्जी स्किन टेस्टिंग होती है मोस्ट कॉमनली. आपके स्किन में टक 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 इंजेक्शन दिए जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट के, जरा जरा से स्किन के अंदर जिस चीज़ से एलर्जी है वो थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है, जिससे नहीं है वो नहीं दिखाता है. सो येस, दैट इज ऑल वन पॉसिबिलिटी जो आप कर सकते हो. और डॉक्टर उसके अलावा आपको दे सकते हैं एक टेस्ट, IgE लेवल्स. IgE लेवल्स जो टेस्ट होते हैं उससे पता चलता है आपके अंदर एलर्जिक टेंडेंसी कितनी है. कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC लेवल्स को भी किया जा सकता है. किसी भी प्रकार की एलर्जी में ईओसिनोफिल काउंट्स बढ़ जाते हैं. इफ ईओसिनोफिल काउंट्स ज़्यादा है, दैट मीन्स एलर्जी है. नॉर्मली ईओसिनोफिल्स एक दो होते हैं, तीन चार होते हैं. अगर आपके 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, यू आर एलर्जिक. नॉर्मली IgE लेवल्स नॉर्मल होते हैं. अगर आपके ज़्यादा है, दैट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ एलर्जी. हो सकता है आपको सिम्टम ना हो, बिकॉज आपका ट्रिगर, आपको जिससे एलर्जी है वो अभी आपके आसपास ना हो. इट्स पॉसिबल, राइट? मे बी आप हिल स्टेशन पे ले रहे हो, आपको पता ही ना चले. जैसी दिल्ली आए, जैसी मेट्रो सिटी आए, ऐसी तैसी होगी, मैं तो जी नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो खुजली हो जा रही, मेरा नाक बंद हो गया, मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मैं तो यहाँ रह नहीं सकता. येस, देर आर पीपल हु आर लाइक दिस, देर आर पीपल हु हैव दीज प्रॉब्लम्स, राइट? सो एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल एंड योर यू नो विसिनिटी प्लेज अ बिग रोल. आपके आसपास क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है. सो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है, अवॉइड दीज थिंग, अवॉइड योर एक्सपोजर टू दी एलर्जन, आइडेंटिफाई योर एलर्जिक सब्सटेंस, उससे दूर रहो. दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, राइट? और जब बार बार हो रहा है, नो ऑप्शन, नहीं अवॉइड हो रहा है या नहीं पता किससे एलर्जी है, तो एलर्जी को सप्रेस करना पड़ेगा. एलर्जी मीन्स योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपकी एलर्जी जो है बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए. बेटा कोई खतरा नहीं है, ऐसे बोलना पड़ता है उसको, राइट? दैट्स वॉट वी डू, वी गिव यू एंटी एलर्जिक मेडिसिन. यू माइट इवन हैव एन एस्थमा अटैक बिकॉज ऑफ सम एलर्जीज. किसी को एस्थमा अटैक आ सकता है, किसी को मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस में दिक्कत, सांस अटक जाना. तो मेनर मैनी थिंग्स कैन बी देयर. एकमात्र सिंपल नेजल सलाइन ड्रॉप्स भी काम करती हैं, जो आप जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हो, टप टप डालो जितना मर्जी. और उसका स्टीरॉयड स्प्रेज भी आते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी एलर्जी की इंटेंसिटी, आपके डॉक्टर, आपके ENT स्पेशलिस्ट या फिजिशियन आपको आपके लिए एक प्लान देंगे. द बेस्ट होम मेड प्लान इज सलाइन ड्रॉप्स, जो आप नाक में डाल सकते हैं, सलाइन सॉल्यूशन, सलाइन ड्रॉप्स जो आप नाक, वार्म वाटर डाल पी सकते हो, घपा घप पानी पियो, पानी गरम अदरक वाली चाय, राइट, पियो, दैट इज आल्सो वेरी गुड. पानी के अंदर बेकिंग सोडा एक पिंच और एक आधा एक थोड़ी पिंच नमक डाल के पियो गरम पानी में, दैट आल्सो हेल्प्स रिलीफ योर सिम्टम्स फॉर अ होम ट्रीटमेंट. जी हाँ, वो बोलते ना, याद रखोगे मुझे, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि याद रखोगे. पहले 10 मिनट यही सब बकवास करते हैं, बाद में बताते हैं ये एक चुटकी, ये एक चुटकी डाल के गर्म पानी पी लो. अच्छा, पहले बताते हैं, खत्म, काहे इतना टाइम वेस्ट किया, वैसा कुछ नहीं करेंगे, राइट? सो सिंपल सिंपल पर सोल्यूशन है, लेकिन हर एक में काम नहीं करेगा. ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई वादा नहीं है, याद रखोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट? याद तो रखोगे, ज़रा भूलोगे नहीं. फिर दवाइयाँ क्या क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एलर्जी की दवाइयाँ, एलर्जिक राइनाइटिस हो या अर्टिकेरिया हो या एक्चुअल स्किन एलर्जीज हो, ज़्यादातर माउथ वाली या ओरल रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जीज में यही दी जाती हैं. एंटीहिस्टामीन्स होती हैं, जो एलर्जी के सिम्टम को रोक देती हैं, कंट्रोल करती हैं. एंटीहिस्टामीन्स आपको मुंह से लेनी होती है, वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाएंगे. सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिट्रीजीन, लिवोसिट्रीजीन, राइट? ये सिंपल चीज़ें.
राइट और इनसे साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको नींद आती है, तो इसलिए रात को एक गोली लेके रहिए, मस्त सोएंगे, सुबह ऑफिस के लिए लेट होंगे, बस और कुछ नहीं होगा, राइट इतना तो साइड इफेक्ट होता ही है यार, है ना. एनीवेज, बट देन देर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो जिनके इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. एंटी हिस्टामिन आप ले सकते हो, उसमें भी बहुत सारे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 एंटी हिस्टामिन है, फॉरगेट अबाउट देम. राइट, फॉरगेट मीन्स अभी हम मेडिसिन थोड़ी बताने वाले. राइट, फिर दूसरी है कॉर्टिकोस्टीरॉइड. जी हाँ, स्टीरॉइड दिए जाते हैं एलर्जीज को सप्रेस करने के लिए. वो क्या है स्टीरॉइड में, एलर्जीज किसी भी प्रकार की एलर्जीज का एक बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ मिलता है स्टीरॉइड से. अगर नाक में है, इधर है, तो स्प्रे हो सकता है, इन्हेलेशन वाला स्टीरॉइड आपको दिया जाता है. अस्थमा के पेशेंट को सांस से इनहेल नेबुलाइजेशन दिया जाता है या पंप दिए जाते हैं, नाक वालों को स्प्रे दिया जाता है, पूरे शरीर में एलर्जी हो तो गोलियां खिलाई जाती है, एक आधी जगह पे स्किन पे हो तो वहीं पे क्रीम लगाई जाती है स्टीरॉइड की. तो ये बहुत स्प्रे से लेके हर चीज़, बच्चों से लेके बड़े तक काफ़ी काम आते हैं. और सेफेस्ट जो स्प्रे हैं और ये है क्रीम है, वो सिस्टमिकली कम एब्जॉर्ब होते हैं. गोली स्टीरॉयड की खानी लंबे समय ठीक नहीं होती है. सो अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर खुद से एक्सपेरिमेंट ना करिएगा. इंडिया है, इंडिया में आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाता है, राइट, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी. ओके, और कायदे से भी स्टीरॉयड प्रिस्क्रिप्शन के बगैर में नहीं मिलना चाहिए, बट देन क्या कर सकते हैं, थैंक यू इंडियन सिस्टम. ओके, डी कंजेस्टेंट नाम की भी एक चीज आती है. डी कंजेस्टेंट, जैसे कि आपने सुना होगा ओट्रीविन. ओट्रीविन नाम की चीज होती है जो आपको चाहिए होती है अगर आपका बहुत ज्यादा कंजेशन है तो उस केस में, राइट, उस केस में आपको ओट्रीविन चाहिए होती है. ओट्रीविन आपके नाक का कंजेशन क्लियर कर देगा. नाक का कंजेशन क्लियर होगा तो आपके सिम्टम्स नेजल स्टफीनेस पफीनेस रिड्यूस हो जाएंगे. लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट है, अगर आप ज्यादा दिन ओट्रीविन यूज करेंगे तो आपके नाक को ड्राई कर देगा, बंजर कर देगा. जी हाँ, और बंजर ड्राई नाक और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है एलर्जी से. तो इसको 3 से 4 दिन से ज्यादा यूज ना करें. ये आपके लिए रोजमर्रा का नहीं होना चाहिए. काफी लोग करते हैं ना, करते हो ना, ओट्रीविन लेके घूमते हो खच खच सब सब, नहीं करना चाहिए, राइट, कृपया वो ना करें. और एडवांस लेवल की दवाइयाँ आती है जो ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं, जैसे मोंटेलुकास्ट, जिसको आप मोंटेर एलसी मोंटेर के नाम से जानते हैं. सो वो दवाइयाँ भी आती हैं जो आपके एलर्जिक ट्रिगर्स को कम करती हैं. प्लस ये हुआ मैनेजमेंट. परमानेंट क्योर के लिए जो चीज़ होती है उसके लिए पॉसिबिलिटी है, उसे कहते हैं एलर्जी शॉट्स इम्यूनोथेरेपी. नाउ व्हाट इज दिस? हम अगर पता कर लें कि किस चीज़ की एलर्जी है तो उस चीज़ के रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे इंजेक्शंस लगाने पे आपकी बॉडी पे क्रोनिकली वो चीज़ आती रहेगी, तो अडेप्टेशन पैदा हो जाती है, वो भी 6 महीने साल भर में. तो ये एक एलर्जी शॉट्स इम्यूनोथेरेपी होती है. हर एक में सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन अच्छी मात्रा में आधे से ज़्यादा लोगों में सक्सेसफुल होती हो सकती है. तो आपको इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो. अगर आप वैसे ही अवॉइड करके जी पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आप एलर्जी शॉट्स के लिए अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से या अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, राइट. इम्यूनोथेरेपी सब लिंगुअल भी आती है, जिसमें इंजेक्शन की जगह थोड़ा थोड़ा आपके टंग के नीचे डाले जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ पे. तो ये हुई बातचीत सारी की सारी आपको एलर्जिक राइनाइटिस और प्रॉपर एक कॉमन एलर्जीज के लिए. प्रिवेंशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अपने इन्वायरमेंट को टटोलना है कि आपको किससे एलर्जी है और उस चीज़ से दूर रहना है. दैट्स ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट और इन जनरल फॉर एलर्जीज, यू कैन आस्क नाउ and I'll try to answer them, okay?